अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने सरकार से मांग की है कि महापंचायत बुलाकर ग्राम पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन किया जाए और उन्हें सातवां वेतन मान का लाभ दिया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मध्यप्रदेश पंचायत संयुक्त संघ के कार्यकर्ता मदन सिंह धुर्बे ने कहा कि हमारी सीधी तौर पर मांग है कि हमें वेतन सातवां वेतन मान के अनुसार मिले और हमारा विभाग में संविलियन किया जाए। मदन सिंह धुर्वे ने कहा कि योजना में हमें पर्याप्त अलॉटमेंट उपलब्ध नहीं होने से समय पर वेतन नहीं मिल पाता और ना ही हमें अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल पाता है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मुख्य मांग है सातवां वेतन मान मिले, दूसरा हमें विभाग में संविलियन किया जावे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें पूर्व में जो है आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक हमें हम सचिव साथियों को जो है महापंचायत अभी तक नहीं बुलाया गया है। हमें बुलाकर जो है सातवां वेतनमान एवं विभाग में संविलियन का जो है घोषणा करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।